Assalamu alaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss Talcott Parsons' theory of social action. So let's start. सोशियोलॉजिकल थ्योरी के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एजल पैराडाइम, जो कि टालकॉट पार्सन की एक कंट्रीब्यूशन थी, और आज हम उनकी थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन को डिस्कस करेंगे। थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हम टालकॉट पार्सन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टालकॉट पार्सन बेसिकली एक डिस्टिंग थिंकर थे। डिस्टिंग उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो वह थे बायोलॉजी के स्टूडेंट, तो नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस से सोशल साइंस की तरफ आना और वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करना, तो इस चीज़ से उनको जो है हम कह सकते हैं कि वह एक डिस्टिंग थिंकर थे। सेकेंड ये कि उन्होंने जो है माइक्रो और मैक्रो पर्सपेक्टिव को कंबाइन कर दिया था। माइक्रो पर्सपेक्टिव पे फोकस किया था वेबर ने और मैक्रो पे किया था इमाल्डरहाइम ने। और वेबर के मुताबिक जो है वो इंडिविजुअल प्राइमरी है और सोसाइटी सेकेंडरी है, और इमाल्डरहाइम के मुताबिक सोसाइटी जो है वो प्राइमरी है, इंडिविजुअल सेकेंडरी है। उनका कहना यह था कि किसी के आने जाने से अगर कोई इंडिविजुअल मर जाता है या चला जाता है, तो उसके जाने से सोसाइटी पर असर नहीं पड़ता, सोसाइटी चलती रहती है, तो सोसाइटी जो है वो प्राइमरी है जबकि इंडिविजुअल सेकेंडरी है। इन्होंने कहा कि नहीं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों ही इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन्होंने मैक्रो और माइक्रो पर्सपेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट था उनको कंबाइन कर दिया था। दैन सेकेंड पॉइंट है कि वो एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे और वो इन्फ्लुएंस थे मैक्स वेबर से। मैक्स वेबर की डेथ के बाद उनकी वाइफ ने कुछ सेमिनार्स कंडक्ट करवाए और उसमें उनके लेक्चर्स को डिलीवर किया, तो टालकॉट पार्सन जो है वो उनके लेक्चर्स को अटेंड करते थे सेमिनार्स में जाके। तो वहाँ से जो है वो मैक्स वेबर के वर्क से काफ़ी इंस्पायर हुआ। बेसिकली जो थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन है ये भी वेबर के ही वर्क की एक्सटेंशन है। हमने सोशल एक्शन थ्योरी बाय मैक्स वेबर को भी डिस्कस किया था, तो हम कह सकते हैं कि ये थ्योरी उससे काफ़ी मिलती जुलती है और उसी वर्क की ये एक्सटेंशन है। इनके नोटेबल वर्क जो है वो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में इनका एक नोटेबल वर्क है, और सेकंड द सोशल सिस्टम 1951, ये दो इनके नोटेबल वर्क हैं। देन है नोटेबल आइडियाज़, एक्शन थ्योरी, एजल पैराडाइम और सिक रोल जो है वो इनके मेन या नोटेबल वर्क कंसिडर किए जाते हैं। तो ये टालकॉट पार्सन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। देन है सोशल एक्शन। सोशल एक्शन में दो वर्ड्स हैं, एक है सोशल और एक है एक्शन। सोशल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, और एक्शन है एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। तो सोशल एक्शन क्या है? कोई भी ऐसा एक्ट जो कि आप सोसाइटी में रहते हुए परफॉर्म करते हो, जहां दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों और वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से, तब वो एक्शन जो है वो सोशल कहलाएगा। जहाँ वर्ड सोशल आ जाए वहाँ टू और मोर देन टू इंडिविजुअल। और एक्शन क्या है? कि वो कोई ना कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे इंडिविजुअल एक दूसरे पर असरअंदाज हो रहे हो, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ये कहलाता है सोशल एक्शन। अब टालकॉट पार्सन ने इसको इस तरीके से डिफाइन किया था, एन एक्ट कॉन्शियसली परफॉर्म्ड। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि आप कॉन्शियसली परफॉर्म करते हो, अपने होशो हवास में परफॉर्म करते हो, अपने सेंसेस में रहते हुए परफॉर्म करते हो, वो जो है वो सोशल एक्शन कहलाता है। उनके मुताबिक कोई भी एक्ट सोशल तब होगा जब चार चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। फर्स्ट है एक्टर, यानी कि जो इंडिविजुअल एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसका होना ज़रूरी है, उसको उन्होंने एक्टर बोला है। सेकंड है गोल, कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, कोई ना कोई गोल होना चाहिए जिसको अटेन करने के लिए आप सोशल एक्शन को परफॉर्म कर रहे हो। देन थर्ड वन इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर, यानी दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, किसी और की तरफ आपका एक्शन जो है वो ओरिएंटेड होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज़ ऑल्टरनेटिव मीनिंग, अगर आप किसी एक ज़राए से अपने गोल को अटेन नहीं कर पा रहे, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव मीनिंग्स होने चाहिए जिसके ज़रिए से आप सोशल एक्शन को परफॉर्म कर सको। तो ये फोर चीज़ें होंगी तो कोई भी एक्शन जो है उनके मुताबिक वो सोशल बनेगा। देन आ जाती हैं फोर कंडीशंस और फोर एस्पेक्ट्स। इनको मैंने आमने सामने लिखा है क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं ये इन एस्पेक्ट्स में जो है वो लाई कर रही हैं। फर्स्ट कंडीशन है इट अकर्स इन सोशल सिचुएशन। जहाँ भी वर्ड सोशल आए, मतलब टू और मोर देन टू इंडिविजुअल, तो ये सोशल एस्पेक्ट में आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, वो अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तब वो एक्शन जो है वो सोशल कहलाएगा। तो पहली कंडीशन ये आ गई कि दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है। देन सेकेंड पॉइंट है ओरिएंटेड टुवर्ड्स गोल, जो कि मोटिवेशनल एस्पेक्ट में आ रहा है, यानी कोई ना कोई गोल होना चाहिए, कोई ना कोई मकसद होना चाहिए जिसके लिए आप सोशल एक्शन को परफॉर्म कर रहे हो। कोई ना कोई मोटिवेशन होगी आपकी, कोई गोल होगा, उस गोल को अटेन करने के लिए आप सोशल एक्शन
एक्शन को परफॉर्म करोगे देन वो कहलाएगा सोशल एक्शन। देन थर्ड कंडीशन इज़ एक्शन इज़ रेगुलेटेड बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, यानी जो सोसाइटी के वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो आपके बिहेवियर को रेगुलेट कर रही होती हैं, आपके सोशल एक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। कुछ फोर्सफुली आपसे करवा रही होंगी सोशल एक्शन, तो कुछ सोशल एक्शन से आपको रोक रही होंगी, यानी कि एक तरह का प्रेशर होता है जो कि आपके एक्शंस को रेगुलेट कर रहा होता है। और ये वैल्यू एस्पेक्ट में आ रहा होता है, यानी ये वैल्यू सिस्टम होता है जहाँ आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज़ आपके बिहेवियर को, आपके एक्शन को रेगुलेट करते हैं। देन फोर्थ वन इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी, जो कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया था कि वो बायोलॉजी के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो यहाँ पर उनकी थोड़ी बहुत अपनी जो बायोलॉजी थी उन्होंने इन्वॉल्व कर दी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि फोर्थ कंडीशन ये है कि जो काम आप कर रहे हो, जो सोशल एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, उसमें आपकी एनर्जी लगनी चाहिए, आपकी एनर्जी को इन्वेस्ट होना चाहिए, तब वो जो है वो सोशल एक्शन कहलाएगा। तो ये सोशल एक्शन हो गया टालकोट पार्सन का। फोर कंडीशंस हैं, फोर एस्पेक्ट्स हैं, और उन्होंने ये चार चीज़ें बताई जिसकी वजह से जो है वो एक्शन सोशल कहलाता है। और ये उन्होंने छोटी सी उसकी डेफिनेशन दी थी, एन एक्ट कॉन्शियसली परफॉर्म्ड इज़ कॉल्ड सोशल एक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी टू ओरिएंटेशंस। नेक्स्ट हैं ओरिएंटेशंस। बेसिकली जो हमने फोर एस्पेक्ट डिस्कस किए थे, उनमें से ही दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। हमने स्टार्ट में ही डिस्कस कर लिया था कि टालकोट पार्सन ने मैक्रो और माइक्रो पर्सपेक्टिव को कंबाइन कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों को उन्होंने प्रायोरिटी दी थी, और यहाँ पे उन्होंने कंबाइन कर दिया। एक मोटिवेशनल एस्पेक्ट है जो कि माइक्रो है, जो कि इंडिविजुअल बेस्ड है, और सेकेंड है वैल्यू एस्पेक्ट जो कि मैक्रो है, यानी ये सोसाइटी बेस्ड है। तो फर्स्ट ओरिएंटेशन क्या है? मोटिवेशनल एस्पेक्ट, यानी इंडिविजुअल का जो अपना पर्सनल गोल होता है, अपनी मोटिवेशन होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो वो एक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम कहते हैं मोटिवेशनल एस्पेक्ट। यानी यहाँ पर इंडिविजुअल का अपना गोल, अपनी मोटिवेशन, उसका अपना इंटरेस्ट आ जाता है। जबकि जो वैल्यू एस्पेक्ट है, यहाँ पर वो नॉर्म्स, वैल्यूज़, मॉरल्स आ जाते हैं जो कि हमारे एक्शन को रेगुलेट करते हैं, यानी सोसाइटी के वो वैल्यूज़, सोसाइटी के वो नॉर्म्स जो कि हमारे सोशल एक्शन को रेगुलेट करते हैं, कुछ कामों से हमें ज़बरदस्ती रोकते हैं और कुछ कामों को ज़बरदस्ती हमें परफॉर्म करने का कहते हैं, चाहे हम करना चाह रहे हो या ना करना चाह रहे हो। तो ये वैल्यू एस्पेक्ट है। तो यहाँ दो एस्पेक्ट आ जाते हैं, मैक्रो और माइक्रो, जिन्हें उन्होंने कंबाइन कर दिया, एक इंडिविजुअल बेस्ड और एक सोसाइटी बेस्ड। देन आ जाती हैं इसके टाइप्स। फर्स्ट टाइप है इंस्ट्रूमेंटल सोशल एक्शन। इंस्ट्रूमेंटल सोशल एक्शन वो एक्शन होता है जहाँ पर इवेल्युएटिंग कंपोनेंट डोमिनेंट हो, स्ट्रांग हो। यानी यहाँ पर आप कोई भी सोशल एक्शन परफॉर्म करते हो, उससे पहले आप एंड रिजल्ट्स अपने माइंड में रखते हो, कौन से गोल्स यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, क्या मीन्स हैं, क्या सही गलत, इसके एंड रिजल्ट क्या होंगे, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप कोई भी सोशल एक्शन परफॉर्म करते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी यूनिवर्सिटी में हो, कोई टीचर है, वो आपको अच्छा नहीं पढ़ाते, आप उनको चेंज करवाना चाहते हो, तो अब आप ये एक्शन करने से पहले आपके माइंड में कंसिक्वेंसेस होंगे, गोल अब क्या है, टीचर चेंज करवाना, और आपके पास मीन्स क्या है कि आप HOD से बात करके उनको चेंज करवा सकते हो। अब एंड रिजल्ट और कंसिक्वेंसेस आपके माइंड में होंगे कि अगर ये टीचर चेंज ना हो और इनको पता चल गया तो मेरी GPA डाउन हो सकती है, HOD मुझे डांट भी सकते हैं कि ये टीचर आप लोगों को दिए गए हैं तो आप लोगों ने इन्हीं से पढ़ना है। तो यानी आप एंड रिजल्ट को सामने रखते हुए कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो, यहाँ पर इवेलुएटिंग कॉम्पोनेंट बेसिकली डोमिनेट होता है। इस तरह के एक्शंस को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल सोशल एक्शन, जहाँ पर आपको पता हो कि इसके एंड रिजल्ट्स, इसके कंसिक्वेंसेस किस तरह के होंगे, हर चीज़ को आप सही से मतलब सोच समझ के ही कोई एक्शन परफॉर्म करते हो, मींस गोल्स, हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए। देन आ जाता है एक्सप्रेसिव सोशल एक्शन। एक्सप्रेसिव है तो मतलब इमोशंस, यहाँ पर एप्रिशिएटिव कंपोनेंट डोमिनेंट होता है, यानी आप कॉम्प्लीमेंट वगैरह करते हो किसी को। फॉर एग्जांपल, आपकी मदर बहुत अच्छी लग रही है, आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे दो, उनकी तारीफ़ कर दो, तो ये एक्सप्रेसिव सोशल एक्शन होगा। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको खाना वहाँ का अच्छा लगता है, आप वेटर को थम्स अप कर देते हो, मैनेजर को कह देते हो आपने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है सब कुछ और खाना बहुत अच्छा था, तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं वो एक्सप्रेसिव सोशल एक्शन होते हैं, यानी यहाँ पर आपके इमोशंस को आप एक्सप्रेस कर रहे होते हो, और एप्रिशिएटिव कंपोनेंट यहाँ पर डोमिनेंट होता है। देन थर्ड टाइप है मॉरल सोशल एक्शन। मॉरल सोशल एक्शन वो होता है जो आपके मॉरल वैल्यूज़, नॉर्म्स वगैरह को मद्देनजर रखते हुए, या वो आपके एक्शन को रेगुलेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी सोसाइटी आपके बिहेवियर को, आपके एक्शन को कंट्रोल कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, आप कहीं जा रहे होते हो
तो पीछे से अचानक आपको एक गाड़ी बहुत ज़ोर से आके हिट करती है। अब आपको शदीद गुस्सा आता है और आप कहते हो कि अब तो मैंने इसको नहीं छोड़ना। गुस्से से जब आप बाहर निकलते हो, आप देखते हो एक बुज़ुर्ग शख्स होते हैं जो कि जिनसे बाई चांस जो है वो हिट हो जाता है, तो आप चुप करके गाड़ी में बैठ जाते हो, उन्हें कुछ नहीं कहते, क्योंकि हमारी सोसाइटी हमें अलाउ नहीं करती कि हम बुज़ुर्गों से बदतमीज़ी करें। हमें यही सिखाया जाता है कि बड़ों का एहतराम करना है, उनसे बदतमीज़ी नहीं करनी है। वो तो जब आप देखते हो कि बुज़ुर्ग शख्स हैं तो आप उन्हें कुछ कहे बगैर दोबारा अपनी गाड़ी में बैठ जाते हो। तो ये बेसिकली क्या है, मॉरल सोशल एक्शन है। यहाँ पर सोसाइटी के जो नॉर्म्स, वैल्यूज़, जो मॉरल्स हैं, उन्होंने आपके बिहेवियर को रेगुलेट किया, उनका एक प्रेशर था आपके ऊपर, जिसकी वजह से चाहते हुए भी आपने अपने सोशल एक्शन को परफॉर्म नहीं किया। तो इस तरह के सोशल एक्शन जहाँ पर आपकी वैल्यूज़ आ जाती हैं, आपके नॉर्म्स आ जाते हैं, तो हम मॉरल सोशल एक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर जो है इंडिविजुअल की जो अपनी मोटिवेशन, अपनी पर्सनल नीड्स और गोल्स वगैरह होते हैं, वो भी सोसाइटी के जो नॉर्म्स, वैल्यूज़ वगैरह होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक शख्स का है कि वो पैसा कमाना चाहता है, उसका गोल है, तो अब उसके पास इलीगल और लीगल दो तरीके होते हैं। अब चाहे वो हराम कमाए चाहे हलाल, तो हमारी सोसाइटी हमें क्या सिखाती है कि हलाल नॉर्म्स वैल्यूज़ यही हैं कि सही जरिए यूज़ करते हुए हलाल पैसा कमाओ, ठीक है। तो अब वो शख्स जो है इलीगल वेज़ को यूज़ नहीं करेगा, लीगल वेज़ को यूज़ करते हुए जब वो अर्न करेगा, उसको हम कहेंगे कि मॉरल सोशल एक्शन में आ जाता है, क्योंकि सोसाइटी के जो नॉर्म्स, वैल्यूज़ और जो मॉरल्स हैं वो उसके बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने सोशल एक्शन को डिस्कस किया। सोशल एक्शन बेसिकली है क्या, कि कोई भी एक्ट जो कि कॉन्शियसली परफॉर्म किया जाए। टालकोट पार्सन के मुताबिक चार कंडीशंस होती हैं, चार एस्पेक्ट होते हैं, या देन टू ओरिएंटेशंस हैं, माइक्रो और मैक्रो, और देन थ्री टाइप्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया है। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।